सिद्धार्थनगर जिले के बांसी क्षेत्र में आज राप्ती नदी में एक अज्ञात महिला की लाश तैरती मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने लाश को पानी से निकाला। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला की शिनाख्त में जुट गई। महिला हाथ पैर और गला बंधा हुआ है। मामला गौलहौरा थाना के मजफन कला के शमशान घाट का है, जहाँ इस तैरती लाश को देखकर लोगों के होश उड़ गए। इसकी सूचना तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस इस लाश की पहचान करने में जुट गई। हाथ पैर बंधे होने से पूरी तरह हत्या का मामला प्रतीत होता है। ऐसे में इसे हत्या कर लाश नदी में फेंक देने की संभावना जताई जा सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक महिला की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि महिला के हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। देखिए, हमारा नाम मोहन कुमार है, प्रधान प्रतिनिधि मझारी के हैं। हम जिगनेवा से जा रहे थे इस रास्ते से, मझवन के रास्ते, मझवन कला के रास्ते से, तो यहाँ कुछ भीड़ देखे हम, तो यहाँ मुड़ के देखे तो एक लाश बह रही थी यहाँ पे, अज्ञात कोई लाश थी महिला की। तो हम भी यहाँ पे आए और लोग भी गांव वाले इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन भी थी यहाँ पे, तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में नदी से लाश निकाला गया। सीओ साहब भी आए और वो अपना देखे सुने। इसके बाद में अब गांव वाले के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पंचनामा बन रहा है। पंचनामा होके अब लाश पीएम के लिए जा रही है। लाश की लगभग उम्र महिला के क्या रही होगी? लाश की उम्र यही 25 से 30 के बीच में होगा लगभग। उसका हाथ भी बना हुआ है, पैर भी बना हुआ है और उसी साड़ी से गला भी बना हुआ है। देखिए, आज गुलहौरा थाने के मझवन कला घाट पे एक अज्ञात महिला का शव नदी में बहते हुए कहीं से आया है। हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोग तत्काल थाने की पुलिस आई। हमने अपने ज़िले से फॉरेंसिक की भी टीम बुलाई है, वो भी मौका मुआयना कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि जो है शव का हाथ पर बंधा हुआ है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना समीचीन होगा।